नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह, और आज हम इस वीडियो के साथ में वर्टिकल लाइन का एनआरवी और हॉरिजॉन्टल लाइन का एनआरवी समझेंगे। एनआरवी बहुत से प्लम्बर हैं जो एक ही जानते हैं, और वो एनआरवी होता है ये वाला, ठीक है, ये ढक्कन वाला एनआरवी होता है जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन में काम आता है, वर्टिकल लाइन में ये कभी काम नहीं आता, क्योंकि इसका गेट जो है, ये देखिए, ये गेट इस नट के साथ में इसका मतलब अटैचमेंट हुआ हुआ है, और जैसे ही पानी इधर से जाता है तो ये गेट खुल जाता है, और पानी का जब वापस बैक फ्लो इधर से पड़ता है तो ये गेट जो है यहाँ ऐसे बंद हो जाता है। तो ये है हॉरिजॉन्टल एनआरवी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, कुछ इस बारे में बताऊँगा जो आप समझ पाएंगे यहाँ पर। तो ये होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जमीन के समतल के बराबर जो लाइन चलती है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो भी लाइन जा रही है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और उसमें लगने वाला एनआरवी ऐसे लगता है, अगर मान लीजिए पानी हॉरिजॉन्टल में इस साइड से आके इस साइड निकल रहा है, तो हमें इस एनआरवी का एरो का जो निशान है वो इस साइड से निकलते हुए पानी की तरफ पीछे रखना है, और ये एरो का निशान जहाँ से पानी निकल रहा है, ये अंदर डलने वाला पानी, ये निकलने वाला, जहाँ से निकल रहा है उस साइड एरो का निशान रखना है, ताकि ये जो गेट है ये प्रॉपर तरीके से काम कर सके। यानी कि यहाँ से जैसे पानी निकलेगा तो ये गेट अपने आप ऐसे खुल जाएगा और पानी जो है इधर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही बैक फ्लो पानी का पड़ेगा तो ये गेट जो है पानी के धक्के से बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो ये लगाना चाहिए हमें एरो हमेशा निकलते हुए पानी की तरफ, ठीक है। ये तो इसका वीडियो अलग से बनाया, उसको आप देख लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा। आज हम बात करेंगे वर्टिकल एनआरवी के बारे में, क्योंकि बहुत से कस्टमर हैं और बहुत से मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पे भी, उन्होंने पूछा कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में दोनों में काम करता है क्या। तो मैं कहूँगा कि सर ये जो एनआरवी है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में काम करता है, और जब भी लगाएं ये वाला इसका टॉप जो है ऊपर रखना है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं नहीं रखना, इसको ऊपर रखना है, तभी जो है इसका गेट प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। वरना अगर ऐसे या फिर नीचे या फिर राइट लेफ्ट में कर दिया तो इसमें कचरा भर जाएगा, तो पूरा ये बंद नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एनआरवी में। वर्टिकल एनआरवी होता है ये, इसके अंदर एक रबड़ का रिंग होता है, और एक वाशर होता है जो भी ब्रास का होता है, और एक स्प्रिंग होती है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। उस स्प्रिंग को काम ये होता है कि इस ढक्कन को वापस से बंद कर देता है। तो इसका जो एरो का निशान है, जैसे मान लीजिए वर्टिकल लाइन हमेशा उसमें लगता है जिसमें पानी ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है वो वर्टिकल लाइन होती है। तो पानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें हमें एनआरवी लगाना है, तो इसके एरो का निशान हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे ये एनआरवी लगेगा। एरो को पिछला हिस्सा लगेगा यहाँ पर, और जैसे ही मान लीजिए, आपको समझा देता हूँ, जैसे पानी का दबाव पड़ेगा तो ये ढक्कन ऐसे खुल जाएगा, देख रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी दिखेगी, जैसे पानी का दबाव पड़ेगा ढक्कन खुल जाएगा। लेकिन खड़ी लाइन में जैसे ही ऊपर से, यानी नीचे से पानी जाना बंद हो गया और ऊपर से पानी आना शुरू हुआ, तो दबाव के कारण से ये वापस से बंद हो जाएगा उस पोजीशन में। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क जो है इसके मैकेनिज्म का है, ठीक है। ये ढक्कन आप ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे लगाएंगे या मान लीजिए एरो का निशान आपने इसका ऊपर कर दिया और वर्टिकल लाइन में लगा दिया, तो पानी चला तो जाएगा लेकिन बंद होते वक्त शायद नहीं बंद हो पाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि कई बार कचरा चला जाता है, तो इस पोजीशन में ये जो है यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया तो ये पूरा बंद नहीं होता और ये पानी वापस बैक आ जाता है। लेकिन इस पोजीशन में क्या होगा, जब ये खुलेगा तो पानी चारों तरफ से इसके अंदर से गुजरेगा, तो कचरा कहीं पर भी रुकेगा नहीं, उसके अंदर रुकने के लिए जगह थी, यानी कि उसके ढक्कन के पीछे आके कचरा खड़ा हो सकता था, रुक सकता था, लेकिन इसमें कचरा खड़ा होने, यानी कोई मिट्टी का कण ऐसा जो इस वाशर को रोक सके। फिर इसमें रबड़ का एक वॉशर होता है, जो कि अगर पानी का दबाव पड़ता है तो थोड़े बहुत मिट्टी के कण को ये रबड़ का वॉशर जो अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। तो ये होता है वर्टिकल एनआरवी, और खड़ी लाइन में हमेशा लगता है, यानी नीचे से पानी जो ऊपर जाएगा उस लाइन में ये लगता है, और इसमें एरो का निशान जो है अपना तीर का निशान हमेशा ऊपर की तरफ रखना, नीचे की तरफ रखेंगे तब क्या होगा कि वापस पानी के दबाव से खुल जाएगा और पानी नीचे से निकल जाएगा, और नीचे से आप पानी चढ़ाओगे तो वो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये ढक्कन बंद हो जाएगा तो मोटर ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो ये पोजीशन आपको रखनी है एरो का निशान ऊपर वर्टिकल लाइन में वर्टिकल एनआरवी लगाने के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ये एनआरवी लगेगा इसका एरो का निशान
जिस साइड से पानी घुसा है उस साइड एरो का बैक साइड रहेगा और जहाँ से निकल रहा है उस साइड एरो का तीर का निशान रहेगा। तो शायद ये वीडियो छोटा सा है लेकिन आपको समझने के लिए इसमें इतना ही है कि वर्टिकल ये होता है और हॉरिजेंटल ये होता है। कई प्लम्बर जो है वर्टिकल को हॉरिजेंटल में लगा देते हैं तो वो गलती करते हैं, क्योंकि दोस्त गलती आप करके चले जाते हो और कस्टमर इसका भुगतान करता है पूरे जीवन। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों वाल आपको समझ में आ गए होंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो इस वीडियो को आप लाइक कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। मैं अर्जुन सिंह, जय हिंद जय भारत।